दूसरी टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये YouTube जो है ना दो धारी तलवार है, इससे थोड़ा बच के रहना है। ये उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको लगता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग 90% बच्चे मैं कहना चाहूँगा कि वो YouTube से पढ़ाई करते ही करते हैं। YouTube पे काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेशन होते रहते हैं, आप पढ़ाई करते हो, बट YouTube एक दो धारी तलवार है। इधर आपको काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन भी मिलेंगी, इवन टीचर्स की तरफ से भी डिस्ट्रैक्शन मिलेंगी। इररेलेवेंट वीडियोस, इररेलेवेंट थंबनेल्स दिखा के बुलाया जाएगा, और इवन वीडियो के अंदर भी ऐसी बात की जाएगी जो सिर्फ गॉसिप के लिए है। ऐसी वीडियो से बच के रहना है, क्योंकि ये आपका टाइम किल करेंगी और मेंटल जो हेल्थ है उसको भी ख़राब करेंगी। इसके साथ ही थोड़ा सा क्या रहता है, हमारी फैसिनेशन रहती है एंटरटेनमेंट से, और यूट्यूब एक मेजर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट आपको एंटरटेनमेंट का मिलेगा एजुकेशन से। तो जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो नीचे आपको एक वीडियो सजेशंस में मिलती है, तो वहाँ पे जो सजेशंस होते हैं वो मे बी कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो हो सकती है या कोई ऐसी वीडियो हो सकती है जो आपकी अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करे इस एजुकेशनल वीडियो के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे और वो चेन बन जाती है, फिर वो वीडियो के साथ एक और वीडियो आ जाएगी, फिर कोई और वीडियो। तो वो चेन बनाने से रोकना है आपने, और ये जो YouTube है इसका थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल करना, ठीक है। कोशिश करना है कि अगर आप एंटरटेनमेंट को टाइम दे भी रहे हो तो दिन में आधा घंटा दो एक टाइम फिक्स कर दो कि इस समय ही मैं वीडियो देखूंगा, बाकी टाइम पे आप स्ट्रिक्ट रहो कि इस समय सिर्फ एजुकेशन ओरिएंटेड और आपके काम की, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसी वीडियोज़ ही देखें आप, ठीक है। और गॉसिप वाली वीडियो से थोड़ा दूर रहें।